वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइटिंग क्लासेस। सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट के वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सब्जेक्ट का एक भाग होता है ना। और डिटरमाइनर एक वर्ब होता है, डिटरमाइन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा का निर्धारण करना, किसी चीज़ को तय करना, है ना, और संख्या का निर्धारण करना। तो डिटरमाइनर डिटरमाइन एक वर्ब होता है, उससे बना हुआ है, और ये सब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है, स्पेशली एडजेक्टिव, है ना। यहाँ पे कुछ डिटरमाइनर्स आपके सामने हैं, जैसे ए हो गया, एन हो गया, और हो गया, अनदर हो गया, एनी, सर्टेन, बोथ, ईच, एवरी, लास्ट, फ्यू, लिटिल, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, होल, नेक्स्ट, नो, सम, सेवरल, दिस, दैट, दीज, दोस, दीज आर डिटरमाइनर्स। ओके, अब इनको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आइए अब हम डिटरमाइनर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, से यहाँ एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, अ गुड मैन, अ गुड मैन इज कमिंग, है ना। एक अच्छा आदमी आ रहा है, कहने का सेंस यहाँ पे क्या हुआ, अ गुड मैन। ये जो टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, इसमें मैन क्या है, आपका नाउन है ना, ये आपका एडजेक्टिव है, और वैसे तो ए एंड द आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बट यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर, जो कि ये बता रहा है कि कौन आ रहा है, एक अच्छा आदमी आ रहा है। मीन्स ये बता रहा है कि एक अच्छा आदमी आ रहा है, और वो किसकी सीमा निर्धारित कर रहा है, इस आदमी की, क्या निर्धारित कर रहा है, कि अच्छा आदमी आ रहा है, एक या इसको कोई भी कह सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ? तो डिटरमाइनर क्या करता है कि सब्जेक्ट के सीमा और संख्या का निर्धारण करता है। इसका यूज हम लोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, माय बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली। मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। बेस्ट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, और माय आपका यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर है। ये हुआ। तो अब डिटरमाइनर से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिटरमाइनर सब्जेक्ट की सीमा और संख्या का निर्धारण करता है। दूसरी चीज, डिटरमाइनर एडजेक्टिव के पहले आता है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर